ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुरजित प्रोफेसर आपको एक्सरसाइज 1.2 समझाने जा रहा हूं। हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, द नंबर्स आर एज फॉलोइंग, और जो हिंट दे रखी है यानी बुक्स में दे रखी है, और बुक्स में जो हिंट है वो क्या है कि ये 222 है, ये हिंट दे रखी है, और इसमें 2 है तो 200 आएगा, जाएगा 200, और यहाँ पे ये 20 है तो 20 दिया और 2 का 2 दिया, या फिर आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये 1 और ये 10 और ये 100, ठीक है। अब इसमें ये 100 आ रहा है, 20 आ रहा है, 22 आ रहा है, ये जो 2 है यानी 100 भी 2 और 1 भी 2 आ रहा है, तो इसमें हिंट दिया है तो इस तरह तो 2 है तो 100 आ गया तो 200 आ गया, ये दोनों को साथ मिलाते हैं तो क्या इसका दूसरा वैल्यू 20 का मतलब कैसे होता है, 20 प्लस 2 22 हो गया, तो ये 20 हो गया, तो और फिर लास्ट में क्या इतना तो 2 ही रहेगा, यानी 1 प्लस 2 ये आपका इनपुट दे रहे हैं, तो फिर इसको कैसे लिखते हैं, 2 का 200 प्लस ये प्लस में जाएगा क्या कर रहा है 20, तो ये 20 दिया जाए 20 इन कैरेक्टर का प्लस में 2 तो 2 लिखते हैं, फिर इनको एक साथ लिख देते हैं 222। इसी तरह आपका दूसरा एग्जांपल में जो दे रखा है इनपुट दे रखा है वो क्या है, 30 है, तो इसी इसी तरह इसके दूसरा 230 प्लस है, तो इसी को जैसे हमने लिखा है इनपुट में दे रखा है वैसे लिख दिया इसने 230 और है, और एक साथ में लिख देते हैं 230 है। इसी तरह हम इसको यूजर नंबर 1 में वन लिख रहे हैं, आपको ये एक्सरसाइज 1.2 निकालेगा, इसमें 200 प्लस 40 प्लस 3 ये इसका हो गया, और ये जैसे इसमें लिखना है 2 है तो 200 लिख दिया आपने 200 200 हो गया इसका, फिर क्या 40 ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, यानी इसमें हमें दो तो एक को हमें 2 का है तो 200 का 40 है तो 40 का यानी इसको अलग अलग में किया गया है, तो ये इसी तरह ये 1800 ये आपको फॉर्मूला लिखेंगे तो सभी में आपका सही आ जाएगी। इसी तरह हम सेकंड लेते हैं इसका, ये 2 का 200 प्लस 50 प्लस 2 देखो 200 और 50 और 2 का 2 इसके अंदर ऐसे भी से लिख देते हैं 200 प्लस 50 प्लस 2 यहाँ, और फिर हमें लिख देते हैं करते हैं 252 और
ए को पता लिखता हूं मैं आपको क्यूरी ये टू है किसमें आ रहा है 1100 तो इसमें 200 प्लस 70 एक्स को 70 प्लस एक्स ये इक्वल हो जाएगा आपका 200 प्लस 70 एस ई बी ई एन टी वाई 70 और एक्स प्लस एक्स अब इसके साथ एक साथ इनको क्या लिखोगे 270 है 270 है ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया हुई अब जो आपको मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए होमवर्क के लिए होगा क्या होगा होमवर्क यानी घर बैठे अपना कार्य कर सकते हैं अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन को याद किया होगा अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है राइट द बीसी नंबर इन द प्रोडक्टिव टेबल यानी इसमें दो छुटे हुए हैं देखो इस तरह ये आपको नजर आ रही होगी और ये जो नजर आ रही है इसमें बीच बीच में कुछ अंक छुटे हुए हैं तो वो आपको लिखना है तो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा तो सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसको आप देखिए ये सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू राइट राइट द बीसी राइट द बीसी नंबर 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 इन द फॉलोइंग टेबल या तो क्या करनी है एक टेबल बनानी है और उस टेबल के अंदर आपको ये कार्य करना है जैसे ये देखिए आपको मैं टेबल के बारे में बता चुका हूँ ये है अपना सबसे पहले इसके अंदर इतना बनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 बार बनाएंगे इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ पर देखो ये जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही चलती रहेगी हम 10 तक इसके अंदर देंगे और ये इस तरह आप देख सकते हैं इस तरह ये होगा आपका कंप्लीट ये पर फोर एक और बना देती है फोर है तो फोर हो जाती है ये इसमें मैन 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सबसे पहले जो होता है इसमें मैन 2 1 ये 100 और
तो हम इसको चलो एक बदलता हूँ ये 72 आ गया, 73 आ गया, 74 इस तरह मेरी 200 तो आएगा आएगा, यानी आपके पास मुझे बता रहा हूँ 71, 72 इसी तरह 271, 72, 73, 74, 73 और 200 लास्ट में ऐड किया जाए, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट में 291, 292, 293 इसी तरह करते हुए हम और दोनों क्वेश्चन को आप याद करना है और इसकी लर्निंग भी करनी है, और जिसके पास बुक्स नहीं है वो तुरंत विद्यालय जाकर के अपना ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको आज फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक अपना कल का अगला टॉपिक था वो आगे से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों आप इसको देखो और समझो और पढ़ो और उसको नोट भी उतारो। तो आज आपने क्या था, हिंदी वर्ग में क्या था, सब विचार, क्या था, सब विचार। तो सबों पर विचार करते थे कि कौन से हैं और अस्तित्व कौन से है। तो देखो इसमें कल याद पड़ा था कि वर्ण 60 क्रमबद्ध मतलब पूरी वर्णमाला है, उनको अपने एक साथ लेते हैं तो क्या वर्णमाला करते हैं, तो फिर ये है एक समूह बन जाता है। फिर इसकी मैंने बताया था आपको ड्रॉइंग के कलर्स से बनाया था, एक क्लासर बनाया था, दूसरा कपिंग बनाया था, इनके बारे में अलग अलग वर्णों को लेकर बताया था। आप शिक्षा को नीचे कल बताया था, ठीक है, आज है शत्रु का वर्गीकरण, शत्रु का खुलासा करते से करेंगे। देखो आज क्या लगा सात शब्द जैसे रोटी, पानी और दूध, ठीक है। और निरंतर का मतलब है सब कोई अर्थ निरंतर, तो रोटी रोटी, दूसरा है वाणी, दूसरा है वाणी, तीसरा है सार, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ये तो आ गया आपके अर्थ। अब आएगी उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार है जैसे उत्पत्ति के आधार है उत्पत्ति के आधार है आधार पर। पहला
इस क्लास में शब्द कहलाते हैं। ये कौन से शब्द कहलाते हैं? अधिक शब्द कहलाते हैं। हिंदी जो संस्कृत भाषा में ये शब्द तो हिंदी भाषा में जो के फिर भी प्रयोग किए जाते हैं। ये है जैसे पृथ्वी, जैसे जैसे पृथ्वी, अग्नि अग्नि डाटे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। उनकी कोई हिंदी भाषा वैसे तो वैसे नहीं लिखा जाता है। छात्र लता आदि पहला है इसका तय, दसवां शब्द ठीक है। और दूसरा इसका तय है तत्व भाव, तय तय
मतलब होता है कि नेक्स्ट का मतलब है ये वाला और हिंदी का समीप का आर और ए है टूट टूटी टूटा अपनी भाषा में क्या बोलेगी टूटा हिंदी भाषा में टूटा थोड़ा सा बिजी हो जाओगे डिटेल में आपको बोलूँ करंट कौन कौन देखो अभी आदमी की सब्जी ज्यादा से अभी थोड़ा पेंडिंग में और भी कल बताएंगे लेकिन मैंने कल कहा था आज का दाग चार दस इसका चार दस निकलता है जैसे रोटी पानी का मतलब ऐसे कोई अर्थ नहीं निकलता होगी तो क्या मतलब होता है बाकी चार इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है अब अपनी अर्थ का अर्थ बाद में उसकी अब उसकी बात है तो बात से उसकी लिखी हुई हिंदी भाषा जैसे प्रश्न सब इस ऐसे भाषा के ये सब है जो हिंदी भाषा में जुड़के के लिए प्रयोग रखा गया था जैसे ये संस्कृत है लेकिन वो भी आपकी हिंदी में वैसे की वैसे ही इसका प्रयोग किया गया है और प्रश्न सब किया गया जैसे अपनी गलत मुस्तानी पाठ रखना तो सब के लिए विचार करे तो सब करे कौन से कैसे प्रयोग किया गया या बनता गया तो ये है ऐसे शब्द अपने को पढ़ना नहीं है समझना नहीं है उस बात पता नहीं होता है फिर भी अपने समझ सकते हैं तो जो कि भी कोई हिंदी भाषा में उसका प्रयोग ही प्रयुक्त होते हैं सर वो शब्द कहलाते हैं जैसे अब ये है हर्ष ये क्या है हर्ष हर्ष ये संस्कृत भाषा का शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है अब हिंदी में क्या हो गया हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में हार हो गया ऊंच ये संस्कृत भाषा का तो हिंदी में क्या मतलब ऊंचा इसका सही प्रयोग किया गया था सही प्रयोग किया गया था करण है अब करण कौन होता है कौन होता है करण कौन होता है इस तरह से इसी का प्रयोग किया जाता है हिंदी में इसका कौन प्रयोग किया जाता है चंद्र चंद्र से चांद पहले चंद्र दूसरा शब्द में चंद्र कौन से कौन हिंदी में इसको चांद बोलते हैं तो आज अपना ये टॉपिक है थोड़ा सा और ये और अपन कल पर छोटे हैं थोड़ा कल बताएंगे आज इतना ही बताऊंगी तो आपको समझना है कि ये शब्द है अपने कुछ ऐसे शब्द है जैसे लड़की है अग्नि है दाते है छात्र है लता है और ये जैसे हस्त मां है क्या बोलते हैं उसका प्रयोग कैसे किया गया तो आज ये रोटी खत्म होने जा रहा है और जब पेंडिंग में छोड़ेंगे तब पूरा हो जाएगा सब विचार और हिंदी व्याकरण की है हिंदी बुक्स है एक कोर्स आ चुका स्कूल में तो आप प्लीज कृपया करके स्कूल में आइए या कोर्स दीजिए ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले टेंशन ना हो ओके बच्चों थैंक यू गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम इन आम हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस
please listen carefully and please pay attention. Having cut subject in English and our topic is homework value one. यानी कि मैंने आपको पिछली क्लास में इसे रीडिंग करके बताया बच्चों और इस लेसन को मैंने आपको प्लस हिंदी में भी समझाया था. हम क्लास के अंदर लेसन जब आपको एक्सप्लेन कर देते थे और हिंदी में अनुवाद भी करके देते थे, इसके बाद में हम आपको मीनिंग्स देखो इसके बैक साइड में, लेसन के बैक साइड में मीनिंग्स है, दिख रहे हैं आपको मीनिंग है तो हम मीनिंग करवाऊंगी मैं आपको बोर्ड के ऊपर. मीनिंग किसी कहते हैं बच्चों, जो वर्ड देते हैं उसका अर्थ आपको समझना रहता है और प्लस उसका प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, तो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे पहले जी ए वाई. इसे प्रोनाउंसिएशन हम किस तरह से करेंगे और हमेशा हम खुश रहते हैं और हमें हमेशा खुश रहना भी चाहिए क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि नहीं रह सकते हम, खुश हमें रहना चाहिए. हमारा जो मिजाज होता है वो हमेशा हमें खुश मिजाज रहे. हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे माई, कैसे बोल रही है माई माई बच्चो पराक्रम शक्ति पराक्रम शक्ति. फिर है एच ए एन बी पी एफ हेल्थ किसे कहते हैं, पूरी शक्ति के साथ शक्ति से. फिर है आर ई एल ई रूल, रूल क्या होता है बच्चों मोमेंट, जो हम हरकतें करते हैं मोमेंट्स. समय जो हमारा समय चल रहा है उसे मोमेंट्स कहते हैं. फिर है डिफाइन अभी यानी कि बर्बाद. हम खेल कूद में ज्यादातर हमारा समय बर्बाद करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे फ्री फायर अवे बर्बाद करना. तो हमें जो भी हमारा समय है उसे काम में लेना चाहिए जैसे कि वर्क वाइल यू वर्क प्ले वाइल यू प्ले लाइक दिस. तो हम हमारे समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें हमारे समय को काम में लेना चाहिए. ठीक है, और जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जो समय चला गया है वो वापस नहीं आएगा बच्चों. देखो इस लेसन में मैंने आपको समझाया था कि जो समय गया है वो वापस नहीं आएगा, तो उस समय में हमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से अच्छे व्यवहार करना चाहिए. तो मैंने आपको समझाया था ये लेसन के अंदर. फिर उसके बाद में है हमारा ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होते हैं, ये वाले क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है. ठीक हमें राइट करना है तो हम क्लास में जो हम अच्छा काम करते हैं उसे टिक आउट करना है और उनके क्रॉस जो हम क्लास में काम नहीं करते हैं उसे हमें क्रॉस आउट करना है. और हमारा पहला क्वेश्चन है टॉक टू योर फ्रेंड.
आप प्लीज आके स्कूल में कोर्स ले लें ताकि आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे और आप क्वेश्चन आंसर भी कर सको, प्लस आप रीडिंग भी कर सको, प्लस आप मीनिंग भी देख सको उसके, और आपकी जो स्टडी है वो रेगुलर चलती रहे। आज के लिए आप मैंने आपको ये दो बताएंगे, एक तो मीनिंग बताएंगे और एक मैंने आपको ये टिक आउट वाले क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।